ये देखो ये खड़ी, ये बंद कर दो। ये आ गया अभी करण प्रयाग। व्यू देखो यार, व्यू देखो। हैं फोटोज लेता हूं गाड़ी। ये आंटी मेरे साथ ही आ रही है। टायर बिल्कुल खत्म है जी भाई। ये देखो आप, छोड़ो सब कुछ, तेरी क्या बर्फ पड़ी है यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली आज अपनी उत्तराखंड ट्रिप का सेकंड डे है और रात को यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं, कोई कुछ नहीं, ना जियो ना एयरटेल, दोनों का इंटरनेट नहीं था, बस व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहे थे। तो मैंने अपना कल व्लॉग शूट किया था, उसको एडिट किया, हाफ ही एडिट कर पाया, नींद आ गई बहुत ज़्यादा तो सो गया। तो अब सारी पैकिंग कर ली है, 7 बजे उठ गया था सुबह, लेकिन थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो है तो धीरे धीरे उठा बेड से और अब निकलते हैं। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ बाहर का। ये देखो भाई, ये खड़ी अपनी बाइक मेरे सामने। ओए ओए ओए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है इधर, बिल्कुल शांति। थोड़ा दूर है और थोड़ा अलग है, हटके, मतलब अलग से रास्ता जाता है तो कोई आता नहीं इधर। बस निकलते हैं यहाँ से, जगह बहुत अच्छी है, अगर 2-3 दिन हो तो सही, घूम सकता है आदमी यहाँ पे। चलो भाई, बाइक रेडी है, सामान मैंने रख लिया। ये घर देखो यार, ये पता नहीं घर है क्या है, लेकिन एक नंबर लग रहा है। चलो जी, चलो सब भंडारे में जा रहे हैं। चलो जी, पूरे 500 किलोमीटर 498.6 पे निकले हैं हम। साहब जी ये बंद कर दो, उस तरफ, ये उस तरफ वाला भी कर दो। धन्यवाद। ओली जाना है, ओली, ओली? हाँ नीचे ही। ओए होए होए होए, क्या सुंदर है, इसने फोटो लेनी है और कुछ शूट करना है, उसके लिए तो परफेक्ट जगह ही है। जहाँ पे मिलिट्री होती है वहाँ साफ सफाई तो ऑटोमेटिक हो जाती है। थ्री फिफ्टी थ्री, 9 घंटे दिखा रहा है भाई ओली तो। ओके 9 घंटे चलते हैं फिर, 9 घंटे के लिए। 9 घंटे तो ज़्यादा है यार, कोई नहीं चलते हैं, जहाँ तक पहुँचा जाएगा पहुँचा जाएगा फिर। सामने बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई है और मैप मैंने लगा दिया फिलहाल बद्रीनाथ का, क्योंकि ओली तो पता नहीं किसी को यहाँ पता ही नहीं और ना ही रास्ता दिखा रहा है ढंग से। शहर तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल साफ सुथरा, इतना साफ सुथरा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मोना, मोना आ गया, मोना 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 के सामने पहाड़ है। रानीखेत से बद्रीनाथ का जो रूट है वो ऐसा कोई प्रॉपर हाईवे नहीं है, छोटी सी रोड है, वो ये हाईवे पे कनेक्ट करेगी अब, और ट्रैफिक भी नहीं है बिल्कुल भी, खाली बिल्कुल। आगे जाके जब हाईवे आएगा तब
100% ट्रैफिक मिलेगा। चलते हैं भाई, हो गया, कॉफी को पी ली। आ गया भी करण प्रयाग। रोड देख रहे हो भाई, रोड डबल हो गई, सीधी डबल। अब आएगा मजा, व्यू देखो यार, व्यू देखो, गजब व्यू, गजब। इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, पीछे बैठ के खाएंगे आराम से। भाई के पास होटल तो एक नंबर का है, लेकिन कह रहा खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं होगा तो आगे खा लेंगे भाई। इधर तो मिला नहीं कुछ खाने का, वो कह रहे है नहीं, कुक चलेगा इसके। कोई नहीं, अब कहीं और देखते हैं। पीछे बैठने की जगह है? पीछे बैठने की जगह है, ऊपर है, यहाँ लगा दूँ ना। हैं? हाँ। ये नहीं पता। अभी तो ओली जाऊँगा। हाँ हाँ, और कौन होएगा तो? नहीं है? नहीं, क्या दिक्कत है? जाने वाले चीज़ फिक्स रहता है ना, रास्ता घाट है, कहीं पंचर हो गया, कहीं कुछ हुआ। हाँ कोई नहीं, फोटोज लेता हूँ गाड़ी। चलो भाई चलते हैं। एक नुकसान हो गया भारी, ड्रोन गिर गया मेरे से, टूट गया वो। कोई नहीं, ये सब तो भाई होता ही है, अब इसका तो कोई इलाज नहीं। गिर गया, टूट गया, टूट गया, ठीक करवाएंगे। उसका एक एक बाजू टूट गई उसकी, बेचारे की। ड्रोन ड्रान का यही पंगा होता है, यहाँ का शॉट लेने की सोच रहा था ड्रोन से, टूट गया। कोई नहीं, जाके ठीक करवाता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा मूड सा खराब हो गया, नुकसान हो गया तो मूड तो खराब हो गई। ओके, वो देखो सामने बादल, बारिश का मौसम होता हुआ, क्या रोड है। काश सारी रोड ऐसी होती तब तक तो मैं पहुंच जाता।
मेरा ड्रोन टूट गया यार, अब मैं जो शॉट मेरे को दिखाना था आपको वो नहीं दिखा पाऊंगा। चलो कोई नहीं, नुकसान मुनाफा तो चलता रहता है, घर से निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। आर्मी का ट्रक मेरे को 2-3 लोगों ने पूछ लिया कि अकेले जा रहे हो, अकेले जा रहे हो। लोग बहुत डरते हैं अकेला जाने में, अकेला जाना थोड़ा मुश्किल होता है, कोई होता नहीं बात करने को, यहाँ भाई बात कर ले रोक दे, यहाँ बैठते हैं वहाँ बैठते हैं। ये खाते हैं वो पीते हैं, अकेले में तो भाई भूख लगी तो रोक ली, नहीं तो चलते रहो। ये देखो भाई ये पूरा पूरा ही नीचे आ गया, एक ही गाड़ी जा सकती है, बाइक की भी जगह नहीं आगे। चलो चलो चलो, क्या व्यू है वही सामने, व्यू के साथ साथ बारिश ना आ जाए। चमोली आ गया, चमोली चमोली भी सही जगह लग रही है मेरे को। ये आंटी मेरे साथ ही आ रही है गाड़ी वाली, रानीखेत से घूमने जा रही होगी मेरी तरह। केदारनाथ 130, बद्रीनाथ 94, गोविंद घाट। बद्रीनाथ के बिल्कुल पास ही है ओली, वो देखो इसने कहाँ चढ़ा दी गाड़ी। ये नहीं एक आदमी नीचे उतर जाए और उसको बता दे उसको क्या दिख रहा है बेचारे को। ये देखो भाई टायर बिल्कुल खत्म है, बस ये ट्रिप ही निकाल लेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा। जाम लगा हुआ बहुत लंबा, बस बाइक का ही फायदा है मैं सबसे आगे आ गया, अब खुद सामने वाली लाइन क्लियर होगी फिर हम इधर से चलेंगे। जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से तो जाम ही नहीं खुलना। क्योंकि कोई है ही नहीं संभालने वाला, आर्मी वाले थे मुझे लगा वो संभाल रहे हैं, लेकिन वो अपने व्हीकल संभाल रहे थे बस। चलो 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 बाइक का फ़ायदा उठाओ, निकलो निकलो निकलो। ओहो ठंडी स्टार्ट होगी, ठंडी ठंडी हवा। धूल मिट्टी, कितनी धूल, धूल धूल मिट्टी, कितनी धूल खानी पड़ती है बाइक पे। धूल खा के ही कुछ मिलता है।
ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, अब ठंड लग रही है। टनल, इस रास्ते पे भी टनल है, छोटी सी है। ओए ओए, क्या आवाज आ रही है इधर बाइक की। काले पहाड़ शुरू हो गए, काले। फोटो लेने के लिए स्पेशल पुल बना रखा है इधर, तो लोग अंदर घुस जाते हैं, घर ले जाने को हो जाते हैं झरने को। ये देखो कलर ही बदल गया इनका। चलो जी चलो जी चलो जी, 20 मिनट और रह गए यार। ओए होए होए, अच्छा ओली ऊपर बद्रीनाथ 45, हमने तो ऊपर जाना है। सूरज की रोशनी पड़ रही है भाई। लिफ्ट मांग रहा था फौजी वाला, सामान ही इतना है मेरे पास, मेरे बैठने की जगह नहीं है। हे वो तेरी, वो तेरी। बद्रीनाथ यहाँ से है वो 1.5 घंटे का। हाँ जी भाई, ये देखो आप, छोड़ो सब कुछ, इसकी तो फोटो लेनी बनती है, लेकिन कैमरा मेरा अंदर है तो फोन से ही ले लेंगे। तेरी क्या बर्फ पड़ी है यार, अब बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ पे भी शादी शादी ही शादी, ये सब रिजोर्ट है। मिला तो है एक जगह रूम, पाइन प्लेस होम स्टे। सुबह जो व्यू आएगा ना यहाँ से, कौन बताएगा? सस्ता बताओ यार कुछ। नहीं सर, यही है हमारा सस्ता। तो फाइनली भाई रूम भी मिल गया है, ये खड़ी बाइक और ये अपना होटल है, और यहाँ पे शादी हो रही है। शादी शादी तो होगी है, अब डोली विदा होगी, वो देखते हैं। बाथरूम है,